राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश भाजपा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा को समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचना है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत की तस्वीर को कार्यकर्ताओं ने जनता के सामने रखा। इस संयुक्त कार्य समिति की बैठक में अभी तक महाजनसंपर्क अभियान, संकल्पात्मक विषयों पर, मन की बात, बूथ सशक्तिकरण सहित अनेक विषयों पर यहाँ पर मंथन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके इस महामंथन से जो प्रेरणा रूपी अमृत निकलेगा, वो प्रेरणा रूपी अमृत उत्तराखंड भाजपा के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा कि हमें इन विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना है, समाज के हर वर्ग को छूना है और हर वर्ग तक पहुंचना है। महासंपर्क अभियान द्वारा हमें विभिन्न समुदायों के साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग, मातृशक्ति के बीच कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह बनाकर, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलते हुए भारत की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को रखना है तथा उन्हें केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा जो अनेक कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों के बारे में बताना है। और मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ कि कई बार हमको लगता है कि हम सब लोग पदाधिकारी हैं और हम जो भी कहेंगे, हम लोग पार्टी के बड़े सम्मानजनक लोगों में से हमारी गिनती होती है, समाज की क्रीम में से हमारी गिनती होती है, लेकिन हमको अपनी बात एक व्यक्ति से व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने के रूप में ही लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। अगर हम एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के रूप में अपनी बातों को लेकर जाएंगे तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूं कि आपकी बात सकारात्मक रूप से, सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से आपके सामने वाले के ऊपर डालेगी। और इस कार्य में हमारे सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं की सबकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से हमें इसकी चिंता करनी है, किस प्रकार हमें बूथ कमेटियों को और अधिक मजबूत बनाना है। इसी के साथ साथ हमें विश्व के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विशेष कार्यक्रम है रेडियो के द्वारा, जो उन्होंने उनकी ये सोच थी कि जब आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संचार की दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया इतना आगे बढ़ गई है, उस समय में भी उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये मैं समझता हूँ कि विश्व का इतिहास है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, किसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 100 से ज्यादा एपिसोड इस प्रकार से एक दिन भी रुके हुए, एक सीरीज भी बीच में ब्रेक हुए बिना उसको पूरा किया है। आने वाले सैकड़ों वर्षों पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत में जो काम किए गए हैं उसकी विजय गाथा का स्मरण करते रहेंगे। इन 9 वर्षों का जो कार्यकाल है, अभूतपूर्व कार्यों का विस्तार से अगर मैं बहुत बोलूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए, हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, इनको भी सुनिश्चित करिए और सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन सरकार की योजनाओं को ठीक प्रकार से लोगों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, कैसे उनको लाभार्थी बनाकर उनको जोड़ा जाए, इस अभियान में हमारे मोर्चे के सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा केदार की धरती से जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके मुंह से कथन निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उनका कंठ का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के, उसको धरातल पर उतारने के लिए और जब तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच पाता है और तब तक अनुरोध रूप से काम करते रहेंगे जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम।